हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। अब नहीं आएगा अगला वेतन आयोग, यानी कि आठवां वेतन आयोग अब नहीं आएगा। इस फॉर्मूले से तय होगी वेतन। क्या है वो फॉर्मूला, हम आपको बताएंगे। क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, प्रोस और कॉन्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और कहाँ से ये सोर्स है। इससे पहले भी मैं दो वीडियो इस चीज़ पे बना चुका हूँ, आप उनको डिटेल में जाके देख सकते हैं। बाकी हम डिटेल में इस चीज़ को बताएंगे, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेड बटन को प्रेस करके ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट और पेंशनर्स के लिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए आपको बताते हैं क्या है फॉर्मूला। मैं बता दूं, ये एक एक्रोइड फॉर्मूला है। पूरी आप देख सकते हैं इसमें क्या है ये एक्रोइड फॉर्मूला। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार एक्रोइड फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। इस फॉर्मूले के मुताबिक सातवां वेतन आयोग ही अंतिम वेतन आयोग होगा। इसके बाद कोई आठवां वेतन आयोग पेश नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने भी माना है कि सरकार को वैल्यू इंडेक्स के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए हर साल लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। केंद्र सरकार वेतन की समीक्षा के लिए इसी एक्रोइड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है, जो आम आदमी से लेकर खास तबका सबका ध्यान रखती है। इस फॉर्मूले की मदद से समय समय पर कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी। यानी कि एक ये एक्रोइड फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हर साल आपकी जो सैलरी होगी उसमें आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि एक आम आदमी से लेकर खास, यानी कि वीआईपी से लेकर एक जो छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े जो ऑफिसर्स लेवल तक के अधिकारी है उन सबकी सैलरी को एक एक्रोइड फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाएगा। इसमें यह भी कि जो इसमें मेन फैक्टर वैल्यू इंडेक्स होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सामने, वैल्यू इंडेक्स के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की इसमें सैलरी को बढ़ाएगा और घटाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस एक्यूरेट फॉर्मूले के, क्या इससे आपको क्या लगता है, आपको कोई इससे फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। और एक्रोइड फॉर्मूला एक एक्रोइड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें सैलरी में आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलेंगी। तो और भी आगे अपडेट्स आएंगी एक्रोइड फॉर्मूले से रिलेटेड, हम उनको आपको सबसे पहले बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं इस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, कॉलीग्स के साथ में, जूनियर और सीनियर के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।